भगवान भोलेनाथ के पावन पर्व महाशिवरात्रि का सभी भक्त जनों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां। आइए वर्ष की सबसे बड़ी रात्रि महाशिवरात्रि के दिन जो भगवान शंकर के विवाह की तिथियां भी मानी जाती है, आइए इस अवसर पर हम शिव के सती के विवाह का आनंद लें, विवाह की कथा का आनंद लें। शिव और सती की संगीतमय कथा, मधुर कथा। और इस प्रकार पहले भाग में हम शिव और सती की कथा का आनंद लेंगे और दूसरे भाग में शिव और पार्वती की कथा का आनंद लेंगे। शिवरात्रि महापर्व के अवसर पर प्रस्तुत है DKB कथा यात्रा की प्रस्तुति शिव महारात्रि महाशिवरात्रि पर विशेष प्रस्तुति शिव सती का विवाह और दूसरे भाग में शिव पार्वती का विवाह। हर हर महादेव, सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं बधाइयां। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। पर्वतों का किशन देव रूप की माला, पर्वतों का किशन देव रूप की माला, यूं लगे जो खड़ा हो शिवाला, हर शिखर यूं लगे जो खड़ा, हर शिखर यूं लगे जो खड़ा हो शिवा, भूमि कहे शिवो हम शिवो, भूमि कहे शिवो शिवो। ये पंक्तियां बार बार दोहराने को जी जाता है, जितनी भी बार दोहराई जाए एक नया अनुभव मिलता है। देवतात्मा हिमालय की बड़ी कृपा है, प्रति वर्ष। और विधे सर्वं विजानासि कृपया शंकरस्य च, त्वयाद्भुता हि कथिता कथा मे शिवयो शुभ। भगवान शिव की दिव्य कथाओं से मैं तृप्त नहीं होता, नारद जी कह रहे हैं ब्रह्मा जी से। बड़ी रसीमयी कथाएं हैं, बड़ी ज्ञान युक्त कथाएं हैं, इनसे मेरा मन तृप्त नहीं हो रहा प्रभु। ब्रह्मा विष्णु सहित समस्त देवों के पूज्य निर्द्वंद निर्विकार शिव गृहस्थ हुए, वो कैसे हुए? भगवान तो बाबा जी, वो कैसे गृहस्थ हुए? तो प्रथमं दक्ष पुत्री सा पश्चात् सा पर्वतात्मजा कथमेक शरीरेण द्वयोरप्यात्मजा मता। पहले सती से उनका विवाह होता है, फिर पर्वत पुत्री पार्वती से होता है। हे प्रभु, शिव जी की दिव्य कथाओं को मुझे कहो। ब्रह्मा जी कहने लगे कि बड़ी गूढ़ कथाएं हैं नारद,
सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनोगे तो समझ में आएगा। ध्यान इधर उधर हुआ तो कोई बात फिसल जाएगी तो पूरी बात समझ में नहीं आएगी, इसलिए ध्यान से सुनो। पूर्व काल में मैं पुत्री संध्या पर आसक्त हो गया था। नारद जी कह रहे हैं पुत्री संध्या पर आसक्त हो गया था, तब रुद्र मुझे धिक्कार देकर के पुत्रों के साथ चले गए। नारद जी ने कहा कि अच्छा, अरे पिताश्री, आप पुत्री पर आसक्त हो गए, ऐसा कैसे हुआ? आश्चर्य हुआ नारद जी को। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि कोई ज्ञानी मूड कोई नहीं है भाई, ये सब शिव की माया है, वो जब जैसा चाहते हैं वैसा ही होता है, किसी के वश में कुछ भी नहीं है। तो शिव शक्तिमान होकर के विराजित हुए, उनके बाएं अंग से विष्णु, दाएं अंग से मैं यानी ब्रह्मा, और हृदय से रुद्र पैदा हुए। मैंने अनेक प्रकार की सृष्टि की, फिर मेरे मानस पुत्रों के साथ एक सुंदरी कन्या संध्या पैदा हुई, जिसे देख करके ब्रह्मा जी के मन में काम उत्पन्न हुआ और ब्रह्म पुत्र काम बोला। संध्या को देख करके काम पैदा हुआ, संध्या भी उनकी पुत्री, काम भी उनका पुत्र। और कामदेव ने पूछा किसका दोष है, देखना आप, मेरे समझ में नहीं आया, आप कोई समझ में आ जाए तो फिर बता देना जब मैं नीचा उतरूं। संध्या भी ब्रह्मा जी की पुत्री और कामदेव भी भगवान का पुत्र, और कामदेव पूछ रहा है किसकी गलती है इसमें, ब्रह्मा जी की है, कामदेव की है, संध्या की है या किसी और की है? किं करिष्याम्यहं कर्म ब्रह्मन्स्तत्र नियोजय, मन्योद्य पुरुषो यस्मात् दुचित सुभितो विधे। कामदेव ने हाथ जोड़ करके ब्रह्मा जी से ही पूछा, बोले प्रभो आज्ञा दो, मैं क्या करूं, मेरा क्या काम है? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम पुष्प के पांच बाणों से स्त्री पुरुषों को आकर्षित करो। मेरे पुत्र तुम्हारा नामकरण करेंगे, मरीचि आदि ब्रह्म पुत्रों ने मनमत, काम, मदन, कंदर्प आदि नाम रखे। दक्ष पुत्री रति से, दक्ष की अपनी पुत्री थी रति, उससे कामदेव का विवाह करवा दिया। और ब्रह्मा जी ने कामदेव को वर दिया कि समस्त भुवनों के प्राणी, सुर, नर, मुनि, यहां तक कि त्रिदेव भी तुम्हारे अधीन हो जाएंगे, ये वरदान ब्रह्मा जी ने दे दिया। ब्रह्मा विष्णु महेश सब तुम्हारे अधीन हो जाएंगे, ये ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया। ऐसा वर पाकर के कामदेव ने वरदान की परीक्षा करने का विचार किया, धनुष चढ़ाया, समस्त लोक, ब्रह्मा सहित सारे के सारे काम वश मोहित हो गए और धर्म ने और वश में हो गए, और ब्रह्मा जी संध्या पर ही काम मोहित हो गए। ब्रह्मा जी का आदेश था, कामदेव की भी क्या गलती बिचारेगी, उसका जो काम था उसने सबको मोहित किया, ब्रह्मा जी सबसे ज्यादा मोहित हो गए, तो उसमें कामदेव का क्या दोष? तो धर्म ने अपने पिता ब्रह्मा और भाइयों को पाप बुद्ध देख करके शिव जी का स्मरण किया। देव देव महादेव धर्म पाप नमोस्तुते, सृष्टि स्थिति विनाशानां कर्ता शंभो त्वमेव हि, सृष्टो ब्रह्मा स्तुतो विष्णु प्रलये हर रूप धरी, रजसत्वतमो भीश्च त्रिगुणे रघुण प्रभो, त्रिगुणे रघुण
प्रभु। धर्म के द्वारा स्तुति करने पर शिव जी प्रकट हुए और ब्रह्मा जी को फटकारा, वेद विज्ञ होकर के तुम्हारे चारों मुंह चार वेद है, उसके बाद भी तुम इस प्रकार से कृत्य करते हो। आपके चार मुख वेद हैं फिर भी कैसे भुला दिया। अनेक प्रकार से ब्रह्मा और ब्रह्म पुत्रों को फटकारा, पसीने की कुछ बूंदे गिरी, उससे अग्नि स्वाता पितृ उत्पन्न हुए, दक्ष शरीर से गिरे, पसीने से कन्या हुई जो रति हुई, और शिव जी के जाने के बाद काम को ब्रह्मा ने शिव नेत्र ज्योति से भस्म होने का श्राप दे दिया। तूने मुझे ही मोहित कर दिया, मेरा ही बेटा और मुझे मोहित कर दिया, जा तू शिव नेत्र ज्योति से भस्म होगा। ब्रह्मं विधे महाभाग विष्णु शीष महामते अद्भुता कथिता लीला त्वया च शशिमोलिना। ब्रह्मा बोले, मेरी पुत्री संध्या बड़ी व्यथित हो गई कि ये क्या हो रहा है, मेरा जन्म हुआ, कामदेव का जन्म हुआ और होते ही काम के मोहित, ये तो अन्याय है। तो वो तपस्या कर शरीर त्याग कर मेघातिथि ऋषि की पुत्री हुई और उसका नाम अरुंधति हुआ। श्रेष्ठ व्रतधारी वशिष्ठ जी की वो पतिव्रता स्त्री हुई। कैसे कैसे हुई इसका इसकी कथा सुनाते हुए ब्रह्मा जी कहते हैं कि काम के कारण जन्म होते ही काम भाव जागने से उसने मर्यादा स्थापित करने हेतु तपस्या की। एक उम्र तो होनी चाहिए ना, जन्म होते ही काम मोहित कर ले, ये तो अन्याय है। तो कामदेव एक सीमा के बाद में किसी को भी मोहित कर पाए, उससे पहले वो मोहित नहीं कर पाए, ये मर्यादा स्थापित करने के लिए संध्या ने तपस्या की। चंद्रभाग पर्वत पर चंद्रभागा नदी के उद्गम पर ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ को ब्रह्मा जी ने दीक्षा के लिए भेजा। सरोवर तट पर बैठी संध्या से पूछा, किमर्थम मागता भद्रे निर्जनं त्वं महीधरं कस्य वा तनया किं वा भवत्यापि चिकीर्षितम्। आदर पूर्वक प्रणाम करके संध्या बोली, हे महापुरुष वशिष्ठ जी उनको दीक्षा देने के लिए आए हैं, और प्रणाम करके वो बोली अपना परिचय देते हुए, मैं ब्रह्मपुत्री तपस्या हेतु यहां आई हूं, अगर हो सके तो मुझे तपस्या की विधि बताइए। तब वशिष्ठ जी ने शिव स्मरण करके ध्यान लगाया, ध्यान बताया, धर्म अर्थ काम मोक्ष आदि के कारण शिव हैं। ओम नमः शंकराय ओम, ये मंत्र उन्होंने दिया और नियम ध्यान बता करके अखंड मौन जलाहार केवल उपवास ब्रह्मचर्यादि इस प्रकार का उपदेश देकर के वो अंतर्धान हुए और वो इस मंत्र का जाप करने लगी। ओम नमः शंकराय ओम, ओम नमो शंकराय ओम, ओम नमः शंकराय ओम, ओम नमो 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 शंकराय ओम, ओम नमो
तक ओम नमः शंकराय ओम, ये मंत्र शिव पुराण के अनुसार वशिष्ठ जी ने गुरु मंत्र संध्या को दिया। संध्या ने उनके बताए विधि से इस मंत्र का अनुष्ठान किया और उस अनुष्ठान के फल स्वरूप भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए और यथोचित वर दिया। और मुख्य वर तो यही था कि मेरी सकाम दृष्टि कहीं भी ना पड़े। संध्या ने यह वर मांगा, किसी इच्छा से मेरी दृष्टि कहीं भी नहीं पड़े, यानी मेरी इच्छा ही नहीं हो कुछ भी, और किसी भी प्राणी के साथ काम भाव से युक्त ना हो, मेरी सकाम दृष्टि ना पड़े, पति के अतिरिक्त जो भी पुरुष मुझे देखे नपुंसक हो जाए। ये संध्या ने वर लिया। शिव ने ततास्तु कहा, फिर कहा तुम्हारी प्रतिज्ञा थी कि अग्नि में शरीर त्याग दूंगी, उसको पूरा करने का उपाय बताती हूं, क्योंकि पिता ने मुझ पर दृष्टि डाली है तो इसका मतलब ये शरीर मुझे नहीं रखना है अग्नि में, तो अब वो समय आ गया है और मैं तुम्हें बताता हूं कि किस प्रकार से अग्नि में जाना है। मेधा तिथि के यहाँ यज्ञ चल रहा है, 12 वर्ष तक चलेगा, उसी अग्नि में उत्सर्ग कर दो, उसी अग्नि से तुम प्रकट होगी और मेघा तिथि की पुत्री होगी और उस रूप में तुम्हें पति रूप में चाहो उसी का ध्यान करके अग्नि रूप में अग्नि में प्रवेश करना। भोलेनाथ ने कह दिया कि जिसका ध्यान करके तुम अग्नि में प्रवेश करोगी वही पति तुम्हें मिलने वाला है। संदेह, जब तुम तपस्या कर रही थी तो त्रेता के प्रथम भाग में प्रजापति दक्ष के बहुत सी कन्याएं हुई, उन्होंने चंद्र को 27 कन्याएं दी, चंद्र रोहिणी को अधिक चाहते थे, दक्ष साप से चंद्र मुक्ति हेतु ब्रह्मा ने चंद्रभागा नदी की सृष्टि की, तभी से मेधातिथि वहां यज्ञ कर रहे हैं। संध्या की आत्मा होती हुई, संध्या ने वहां जाकर के यज्ञ की ज्वाला में अपने आप को होम दिया। अरुंधति के रूप में उसी समय यज्ञ से निकल गई अरुंधति के रूप में, और मुनिवर वशिष्ठ के साथ उनका विवाह हुआ। नारद जी कहने लगे, ब्रह्मन् विधे महाभाग विष्णु शिष्य महामते, धन्यस्त्वं शिव भक्तो हि परं तत्व प्रदर्शक।
अरुंधति की पुण्य कथा के बाद में उत्तम शिव चरित्र कहिए पिताजी। नारद जी अपने पिता ब्रह्मा से पूछते हैं, तो ब्रह्मा कहते हैं कि शिव जी ने मेरे काम ग्रस्त होने पर खरी खोटी सुनाई थी। पुत्रों, मैं ईर्ष्या से दक्षादि के पास आया और कहा, पुत्रों तुम्हें ऐसा प्रयत्न करना चाहिए कि महादेव जी किसी कमनीय कांति वाली स्त्री का पाणी ग्रहण करे। शिव विवाह के इतने पीछे पड़े ना ब्रह्मा जी, इसका एक कारण ये भी है कि मेरे को शिव जी ने आकर के इतनी खरी खोटी सुनाई, काम के मोहित हो गए, इतना भी नहीं समझे, वेदों के वक्ता होते हुए भी तुम कैसे फिसल गए। तो पुत्रों प्रयास करो कि भोलेनाथ भी किसी स्त्री के चक्कर में पड़े। ब्रह्मा जी ने अपने पुत्रों को कहा, शिव मोहन का भार रतिनाथ कामदेव को सौंपा। कामदेव ने कहा, प्रभो नारी मेरा अस्त्र है, नारी के कंधे पे बंदूक रख कर ये मैं चला सकता हूं, बाकी मेरा कोई मतलब नहीं है। तो शिव जी के मोहन है तो नारी की सृष्टि कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि ये मेरे वश में नहीं, भोर तो मैं सब कुछ कर सकता हूं, नारी की सृष्टि मेरे वश की नहीं। तो चिंताग्रस्त मेरे निश्वास से बसंत व मारगणों की सृष्टि हुई, उनकी सेना के साथ कामदेव शिव को मोहने में असफल रहा, कामदेव पराजित होकर के चला गया। श्री हरि का स्मरण किया, श्री हरि का स्मरण किया और तब श्री हरि प्रकट हुए। बोल कामदेव, क्यों मेरा स्मरण किया है? तब ब्रह्मा जी ने सारा प्रसंग सुनाया कि भगवान शिव किसी प्रकार पत्नी ग्रहण करे तो मैं सुखी हो जाऊंगा, मैं भी ये कर सकूंगा अगर काम ने तुम्हें भी मोहित कर लिया। हरि ने कहा, ब्रह्मन शिव की इच्छा के बिना कुछ भी संभव नहीं है, उन्हीं की शरण लो। यदि शिव जी का विवाह होगा तो उन्हीं की इच्छा से होगा, किसी के कहने से दौर दबाव से नहीं होगा। और शिव विवाह चाहते हो ना तो देवी शिवा की तपस्या करो। शिवा ही अगर नारी रूप रखकर के इस धरा धाम पर आएगी तो शिव जी का मोहन संभव है, अन्यथा नहीं है। और यदि शिवा सगुण अवतार लेकर के मानव शरीर ग्रहण करे तो वह निश्चित महादेव की पत्नी होगी। तात दक्ष को आज्ञा दो कि दोनों पति पत्नी शिवा को तप करके प्रसन्न करें, पुत्री रूप में प्राप्त करें, क्योंकि शिवा देश के अनुसार सरस्वती आपके साथ, लक्ष्मी मेरे साथ, किंतु सती का आना भी बाकी है। पिता के आदेश के अनुसार दक्ष क्षीर सागर के उत्तरी तट पर आदि शक्ति जगदम्बा को पुत्री रूप में प्राप्त करने हेतु हृदय में देवी का ध्यान करके कठोर व्रत का पालन करके 3000 दिव्य वर्षों तक तप किया। जय जय हे जगदम्बे माता, जय जय हे जगदम्बे माता, जय जय हे जगदम्बे माता, जय जय हे जगदम्बे माता। द्वार तुम्हारे जो भी आता, द्वार तुम्हारे जो भी आता, द्वार तुम्हारे जो भी आता, बिन मांगे सब कुछ पा जाता, बिन मांगे सब कुछ पा जाता। जय जय हे जगदम्बे माता, जय जय हे जगदम्बे माता।
होया कोई भिखारी, राजा होया मोर भिखारी, पंडित होया कोई पुजारी, पंडित होया कोई पुजारी, सबसे निभाया तूने माता माँ बेटे का नाता, जय जय हे जगदम्बे माता, जय जय हे जगदम्बे माता, द्वारे तुम्हारे जो भी आता, द्वारे तुम्हारे जो भी आता, बिन मांगे सब कुछ पा जाता, बिन मांगे सब कुछ पा जाता। और लंबे समय तक दक्ष और दक्ष पत्नी ने तपस्या की तो माता प्रकट हुई, और माता प्रकट होकर के कहती है, सिंहस्ताम कालिकाम कृष्णाम चारुनेत्रां चतुर्भुजां वरदाभय नीलाब्ज अर्धहस्ताम मनोहरां, दर्शन करके दक्ष प्रसन्न हुए, और अब तक जो करुण विलाप चल रहा था वो हंसने लगे, प्रसन्न मुद्रा में कहने लगे, रोते को हंसाने वाली, रोते को हंसाने वाली, तेरे दुख ने मिटाने वाली, वो माँ है, वो माँ है, वो माँ ही तो है, बोले जगदम्बे माता की, तेरी पिंडी बनाने वाली, तेरी पिंडी बनाने वाली, तेरे दुखड़े मिटाने वाली, तेरे दुखड़े मिटाने वाली, वो माँ है, वो माँ है, वो माँ ही तो है, वो माँ है, वो माँ है, वो माँ ही तो है। बोले जगदम्बे माता की, जगदम्ब महामाये जगदीशे महेश्वरी, कृपां कृत्वा नमस्ते तु दर्शितं स्वपुर मम, रोते को हसाने वाली, रोते को हसाने वाली, तेरे दुखड़े मिटाने वाली, तेरे दुखड़े मिटाने वाली, वो माँ है, वो माँ है, वो माँ ही तो है, जगदम्बे हरिदम्ब, जगदम्बे जगदम्बिका, हे महामाया जगदीशी, हे महेश्वरी, कृपा करो, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आपने दर्शन करके, दर्शन देकर के बड़ी कृपा की।
प्रसिद्ध भगवत्याचे प्रसिद्ध शिवरूपिणम् प्रसिद्ध भगवत्याचे प्रसिद्ध शिवरूपिणम् प्रसिद्ध भगवर्ते जगन्माये नमोस्तुते प्रसिद्ध भगवर्ते जगन्माये नमोस्तुते रोते कोहसाने बली रोते कोहसाने बली तेरी चिकनी बनाने वाली तेरी चिकनी बनाने वाली वो जाने वालों को चलते जाओ तुम मत देखो अपने पांव के चार चलते जाओ तुम मत देखो अपने पांव के चार जिसने कितना कष्ट सहा है उतना चैन भी पाया है चलो बुलावा आया है माता ने बुलाया है चलो बुलावा माता ने बुलाया है जय माता दी ओ प्रेम से बोलो अरे सुनील बोलो अरे माता बोले अरे पिया बोले अरे पिया बोले अरे बच्चा बोले अरे बूढ़े बोले अरे जय माता दी अरे जय माता दी जय माता दी रोते को हंसाने वाली जो दुखड़े मिटाने वाली जो माँ है वो माँ है वो माँ ही तो जगदम्बे जगदम्बे वो माँ ही तो है 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 बोली जगदम्बे मात की प्रसिद्ध भगवत आद्य हे आदि भगवती कृपा करो प्रसिद्ध शिव रूपिणी शिव से अलग नहीं है शिव रूपिणी ही है इन इस तत्व को समझेंगे नहीं तो शिव पुराण समझ में नहीं आएगा शिव और शक्ति में कोई भेद है ही नहीं प्रसिद्ध शिव रूपिणी प्रसिद्ध भक्त वरदे वरदान का काम शक्ति का ही है शिव भी वरदान देते हैं तो शक्ति से ही देते हैं प्रसिद्ध भक्त वरदे जगन माये नमोस्तुते माता बोली तुम्हारी भक्ति से मैं संतुष्ट हूं वर मांगो तब दक्ष ब्रह्मपुत्र पूर्णावतार रुद्रावतार शिवावतार के लिए पत्नी रूप में आओ अवतार लें और मेरी पुत्री बने जगन माता से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप मेरी पुत्री बने
और शिव मोहिनी बने। जगदम्बा ने कहा, दक्ष, शिव का मोहन असंभव है, शिव का मोहन असंभव है। अगर वो मोहन भी मोहित भी होने की लीला करते हैं तो उनकी लीला मात्र है, किंतु मेरा प्रण, जन्म तो ले लूंगी मैं तुम्हारी पुत्री के रूप में ले लूंगी, लेकिन मेरा प्रण ये है कि अगर मेरे प्रति तुम्हारा सम्मान घटा तो मैं अपना शरीर त्याग दूंगी। ओहो, जन्म नहीं लिया और उससे पहले शरीर त्यागने की बात है। दक्ष ने कहा, माता आपका सम्मान कैसे घटेगा, नहीं घटेगा। अरे नहीं घटेगा तो ठीक है, लेकिन घटेगा तो ये शर्त है। बोले ठीक है। दक्ष की 60 कन्याएं, उनका विवाह धर्म के साथ 10 कन्याएं, कश्यप के साथ 13 कन्याएं, चंद्रमा के साथ 27 कन्याएं, अंगिरा के साथ 2, कृतासु के 2 और तारस्य को 4 कन्याएं, और इनकी संतानों से पूरा संसार भर गया। दक्ष ने पत्नी सहित बड़े प्रेम से आदि शक्ति का ध्यान किया, स्तुति की, तो मां जगदम्बा दक्ष के हृदय में निवास करने लगी। दक्ष की शोभा भारी हो गई। जगदम्बा जहां उतरी तई शोभा भरणी न जाए, जगदम्बा जहां आ गई शुभ मुहूर्त में गर्भाधान हुआ, वीरणी की शोभा बढ़ गई। वीरणी दक्ष पत्नी का नाम, जो माता सती की माता हैं, और स्तवन किया, प्रणाम किया। 10वें माह में समस्त ग्रहों की अनुकूलता की स्थिति में भगवती ने जन्म लिया। बोलिए सती मात की। और इस प्रकार भगवती ने दक्ष पुत्री के रूप में जन्म लिया है। दक्ष ने अनेकों दान दिए शिवा के जन्म के उपलक्ष में। नगरवासी जय जयकार करने लगे, गीत गान नृत्य का भारी उत्सव हुआ। और शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति सती अपने पिता के घर में बढ़ने लगी। ब्रह्मा जी कहने लगे, अथे कदा पितु पार्श्वे तिष्ठन्ति तां सती मह त्वया सह मुने द्राक्षं सारभूता त्रिलोक के। एक बार दक्ष कन्या अपने पिता दक्ष के अंक में बैठी हुई थी पास में, और ब्रह्मा मैं भी वहां गया, मैं भी वहां था, दक्ष भी वहां था, और दक्ष पुत्री सती भी वहां बैठी थी, तब तुम आए, यानी नारद आए। और नारद जी ने शिव संबंध की भविष्यवाणी की कि इसके लिए तो केवल शिव ही हैं और दूसरा कोई है ही नहीं। तो बाल्य कुमार अवस्था से होती हुई सती युवा हुई तो दक्ष चिंतित हुए, अब शिव को कैसे दूं। माता सती ने वीरणी से तप की आज्ञा मांगी और फिर घर पर शिवाराधन करने लगी। वर्ष भर अनेकों प्रकार की साधना पूर्वक नंदा व्रत करके शिव में अनन्य भाव रखने वाली सती शिव का ध्यान करने लगी, और सती मूर्तिमयी सिद्धि लग रही थी तपस्या करते हुए। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सहित देवताओं ने देखा कि वे सिद्ध अवस्था में पहुंच चुकी है, तब कैलाश को गए और वहां जाकर के और भोलेनाथ की स्तुति की। हे प्रभो, दक्ष पुत्री सती बड़ी तपस्या कर रही है आपको पति रूप में पाने के लिए। और तब भगवती सती बड़े कठोर तप कर रही है। हे शंभु शरण दे दो चरणों की धूल में, हे शंभु शरण दे दो चरणों की धूल में।
तेरे गले का फूल में शंभु शरण दे दो चरणों की धूल में शंभु शरण दे दो चरणों की धूल में आपके चरणों में है और कहीं मेरा स्थान नहीं है। हे प्रभु मैं हूं अनन्य भाव से शिव की समर्पिता मैं हूं अनन्य भाव से शिव की समर्पिता करिए जगती के पिता करिए कृपा मसानी जगती के पिता सृष्टि कल कल है सृष्टि कल कल है तेरे त्रिशूल में त्रिशूल में शंभु शरण दे दो चरणों की धूल में शंभु शरण दे दो चरणों की धूल में Yeah.
धर्म होगा जो आपने कहा, मेरा मुझ में कुछ नहीं है। हर बात तुम्हारी ही, कर्मों के मूल में। हर बात तुम्हारी ही, कर्मों के मूल में। हे शंभु शरण दे दो, चरणों की धूल में। शरण दे दो, चरणों की धूल में, चरणों की धूल में। करुण तपस्या की, विलाप के साथ में सती माता तपस्या कर रही है, और तभी भोलेनाथ वहां प्रकट होते हैं। सर्वांग सुंदरो गौर पंचवत्र त्रिलोचन चंद्र भाल प्रसन्नात्मा शीति कंठश्चतुर्भुज। सर्वांग सुंदर और गौर वर्ण, अधिकतर तस्वीरों में भोलेनाथ का वर्ण बताया जाता है श्याम वर्ण, नील वर्ण बताया जाता है, लेकिन ये सही नहीं है। भगवान तो कर्पूर गौरम है, गौर रूप है। श्याम वर्ण तो भगवती सती है, काली तो वो है, भगवान तो गौर वर्ण है। गौर वर्ण पंच वक्त्र, पांच सिर, तीन लोचन, तीन आंखें, चंद्रभाल प्रसन्न आत्मा, चार भुजा धारण किए हुए भोलेनाथ वहां प्रकट होते हैं। त्रिशूलधारी, भस्मधारी, मस्तक पर गंगाधारी, करोड़ों चंद्रमा कामदेवों की छवि लज्जित हो जाए, ऐसे भोलेनाथ। प्रणाम किया माता सती ने। वरदाता शिव स्वयं पानी ग्रहण के इच्छुक थे, किंतु महादेव बोले, दक्ष नंदिनी प्रीतोस्मि, मैं तुम्हारी प्रीति में आ गया हूं, तुम्हारे प्रेम में पड़ गया हूं। वर देने को आतुर शिव कहते हैं, वर मांगो, वर मांगो। माता सती मुंह से तो कुछ नहीं बोल पाई, किंतु मनी मन भाव विभोर हो गई। पुनः शिव जी के कहने पर लज्जा से बोली, जो कुछ आपकी इच्छा हो वही वर दे दो। माता सती ने क्या कहा, जो भी आप देना चाहो वही वर दे दीजिए। तब शिव बोली, हमारी वामांगी हो जाओ। शिव जी ने, तुम चाहती भी यही हो, वामांगी हो जाओ। तब सती बोली, देव देव महादेव विवाह विधिना प्रभो पितुर्मे गोचरी कृत्या मां ग्रहाण जगत्पते। हे देवों के देव महादेव, ऐसे थोड़ी होगा, पिता की आज्ञा के बिना भला मैं कैसे जा सकती हूँ। आप मेरे पिता से मुझे मांग लो और वैदिक विधि से विवाह करो और ले आओ। शिव ने तथास्तु कहा। सती शिव को प्रणाम करके और माता के समीप गई।
और शिव जी भी अपने स्थान पर सती का चिंतन करने लगे। और चिंतन करने लगे तो अब भोलेनाथ का जप तप ध्यान सब छूट गया, तो सती सती दिखने लग गई उनको। और शिव ने ब्रह्मा जी का ध्यान किया, सरस्वती सहित ब्रह्मा जी आए। शिव जी बोले कि देखो, मैंने सती को वचन दिया है कि मैं उसका वरण करूंगा, अतः आप दक्ष को विवाह का प्रस्ताव दें। ब्रह्मा जी बोले कि हाँ हाँ, तीर सही निशाने पे लग रहा है। ब्रह्मा बोले, हे प्रभु, हे वृषभ ध्वज, दक्ष स्वयं भी आपको कन्या देना चाहते हैं और मैं भी उनसे कहूंगा। इधर दक्ष स्वयं शिव जी को कन्यादान हेतु संपर्क सूत्र खोज रहे थे। दक्ष भी सोच रहे थे कोई माध्यम मिल जाए, कोई बिचौलिया मिल जाए जो मेरी और मेरी बच्ची की ऐसी प्रशंसा कर दे कि शिव जी राजी हो जाए। तो ऐसे में ब्रह्मा जी को आया हुआ देख करके बड़े प्रसन्न हुए दक्ष, प्रणाम किया और आने का कारण पूछा। तो ब्रह्मा जी ने वही कहा जो दक्ष चाहते थे। तव पुत्री समाराध्य महादेवं जगत्पतिं यो वर पार्थितस्तस्य समयो समुगागत। ब्रह्मा जी ने दक्ष से कहा कि सती ने शिव से वर प्राप्त कर लिया है, लड़का लड़की मिल लिया आपस में ही, तेरी कोई जरूरत ही नहीं है, तुझे तो केवल फॉर्मेलिटी निभानी है। सती ने शिव को प्रसन्न कर लिया, शिव ने वर दे दिया, वरण करने का आश्वासन दे दिया। अब कोई ऐसी बात नहीं है, शीघ्र ही नारद मरीच्यादि ऋषिगण गरुड़ारूढ़ होकर के नारायण संपूर्ण देवता सहित शिवगणों की बारात लेकर के यहां आए। ऐसा तुम करो, लगन वगन भेजो, मैं प्रस्ताव लेकर के आया हूं। तो कर लगन कौन लेके जाएगा? बोले मेरे से बड़ा कौन पंडित होगा। लिखा लगन और ले गए, कैलाश में ले जा करके दे दिया। मरीच्यादि ऋषिगण गरुड़ारूढ़ भगवान शिवगणों की बारात चली, बड़ा उत्सव हुआ। और दक्ष ने बारात का भव्य उत्सव किया, स्वागत किया, शिव का यथोचित पूजन किया और ब्रह्मा जी से विवाह की विधि पूर्ण करने की प्रार्थना की। अब भोलेनाथ की देखो, तीनों लोक में आनंद हो गया। और यहां ब्रह्मा जी को भी मोहित कर दिया था भगवान शिव की माया ने। ब्रह्मा जी ने सती के सौंदर्य को देखा, वही सुंदरता मर्जात भवानी। ब्रह्मा जी मोहित हो गए उनकी सुंदरता में, उनको घूंघट ले रखा था सती माता ने, तो वो झुक झुक करके देखने लगे। महादेव ने देखा कि ये क्या कर रहे हो, रुष्ट हो गए। भगवान ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की, तब जाकर के प्रसन्न हुए और इस प्रकार देवगण बड़े आनंद हो गए। विवाह बोले नाथ को, संगी शिव की।
Thank you.
करुणा भले सदा की विवाह भले सुखी जीव की हो गई विवाह भले नाथ को 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 सुना भले सदा पहुंच करके संपूर्ण देव ऋषियों को संपूर्ण सम्मान पूर्वक विदा किया। सुन लिया जाए तो सारा काम निर्विघ्न सिद्ध होता है, निर्विघ्न पूर्ण होता है। शिव जी का सती माता के साथ प्रयास में अनेक प्रकार से विवाह होता रहा और तब इस प्रकार भीम की रिश्तों पर गुफाओं में सती शिव की रमणीय क्रीड़ा देवताओं के 25 वर्षों तक चलती रही। देवताओं के 25 वर्ष, एक वर्ष का मतलब हमारे 1000 साल। तो शिव जी का माता सती के साथ अनेक प्रकार से विवाह हुआ और एक दिन पूछ लिए प्रभु ने, आपके विवाह से मैं बड़ी संतुष्ट हुई, परम तत्व का ज्ञान प्राप्त करना चाहती हूँ, लोक कल्याण के लिए किए गए प्रश्न पर। शिव जी बोले, प्रक्षामि दाक्षायणी महेश्वरे परम तत्त्वं तदेवानु शयी मोक्तो भवेद्यत। हे सती, परम तत्व को जानकर जीव मुक्त हो रहा है। विज्ञान ही परम तत्व है, शुद्ध भक्ति से ब्रह्म का स्मरण सार है। सत हरि भजन जगत सब सपना। मेरा अनुभव शिव का अनुभव है और शिव का अनुभव तो सत्यम शिवम सुंदरम। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। हरि यानी वो जो परम तत्व है, किसी भी नाम से पुकार सकते हैं, वो जो परम शक्तिमान है, वो जिसके एक इशारे पर सूर्य रोजाना उदय हो रहे हैं, अस्त हो रहे हैं, वो जिसके इशारे पर समय समय पर ऋतुएं परिवर्तित होती है, वो जिसके इशारे पर प्रलय हो जाता है, जिसके एक इशारे पर सृष्टि पैदा हो जाती है, वो उसका स्मरण
लेकिन हम तो जन्म के दिन से ही उसको भूल जाते हैं, जीवन भर याद नहीं करते, और जब बुढ़ापा आ जाता है तब फिर याद आता है कि ओहो हीरा हो सा जन्म मैंने गवा दिया। इसलिए देवी सत हरि भजन जगत सब सपना, और मेरी भक्ति मेरी कृपा से प्राप्त होती है। ज्ञान मार्ग तो कृपाण की धार, ज्ञान मार्ग पर चलना आसान नहीं है, लेकिन भक्ति सहज है, लेकिन वो मेरी कृपा से ही मिलती है, बड़ी आसानी से नहीं मिलती है। और श्रवणम कीर्तनम चैव स्मरणम सेवनम तथा दास्यं तथार्चनं देवे वंदनं मम सर्वदा। ये नवधा भक्ति भगवान शिव ने पार्वती जी को बता दी। श्रवणम मेरे गुणानुवादों को सुने, कीर्तनम जो सुना उसका कीर्तन भी करें ताकि और के कानों को भी श्रवण मिल सके, स्मरणम मेरा स्मरण करें, सेवन करें, अपना जीवन मेरे रूपी संसार की सेवा में लगा दें, सभी प्राणियों में मेरा भाव करें, दास्यम अपने आप को मेरा दास समझे, अर्चना करें, पूजा करें, वंदन करें, स्तुति करें। हे देवी भगति हीन नर सोहई केसा बिनु जल बारी दी देखिए जैसा। भक्ति हीन नर बिना जल के बारले के समान, इसलिए नवदा भक्ति कहते हैं भगवान। और नारद जी कहने लगे विष्णु शिष्य महाभाग विधेय में वद विस्तरा शिवा शिव चरित्रम तद भवाचार परानुगम किमर्थो संकरो जायां त्याज प्राणत प्रियां तस्मादाचक्षवे मातात विचित्रमिति मन्महे। हे प्रभो मैंने सुना है इतने प्रेम से सती के साथ विवाह किया भगवान ने, लेकिन मैंने सुना है कि उन्होंने सती का त्याग कर दिया था, ऐसा कैसे हुआ? और दक्ष जिसने बड़े प्रेम से अपनी कन्या शिवजी को दी थी, भला अपने जामाता के प्रति कोई इतना विद्वेषी कैसे हो सकता है? ये कुछ विचित्र बातें हैं प्रभु, मेरे समझ से बाहर है, इसको स्पष्ट करिए ये कैसे हुआ। ब्रह्मा जी कहने लगे क्यों खड़ा हर शिखर यूं लगे